बहुत सारे लोगों को एडुकेशन लोन के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज होती है, और एडुकेशन लोन अगर हमें लगाना है तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर की ही जगह से लगाना चाहिए, और वो हम कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं काफ़ी सुबह और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक बात करेंगे कि आपको PDF एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ सारा इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग उसे भी रेफर कर सकते हैं। जब ये वीडियो खत्म हो जाए उस PDF को डाउनलोड करके अपने फाइल्स में रख सकते हैं, और वैसे ही प्रोसेस से आपको आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको एक वीडियो रेफर करूंगा जहां पर विद्यालक्ष्मी फॉर्म हमने भरा था अपने समय, तो वो फॉर्म आप जरूर जाके देखें, और उससे आप लोग विद्यालक्ष्मी फॉर्म को सबसे पहले भरेंगे। फॉर्म को भरने समय सारा डिटेल्स को ठीक से देंगे, कॉलेजेस को भी ठीक से मेंशन करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि मुझे तो पता नहीं कि मेरा कौन सा कॉलेज है, तो दोस्तों जब आपका कॉलेज पता चल जाए आपको, या फिर आपके काउंसलिंग में वो कॉलेज सेलेक्ट हो जाए और वो राउंड 3 या राउंड 1 का रिजल्ट हो और आप फ्रीज करने जा रहे हैं और आपने ऐसा कर लिया है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो सारा डिटेल्स होगा वो आप लोग को मेंशन करके फटाक से विद्यालक्ष्मी फॉर्म भर देनी है। विद्यालक्ष्मी को फॉर्म भरते ही जिस भी बैंक में आप उस फॉर्म को रेफर करेंगे उस बैंक में जाकर सारा डिटेल्स को बताना है, समझाना है और कहना है कि देखो हमको उस कॉलेज में लग गया है, फर्स्ट सेमेस्टर फीस भी मुझे निकालनी है। बट कॉल बैंक आपको रेफर करेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर फीस अपने से दे दें, उसके बाद आपको एजुकेशन लोन लगाना चाहिए। पर इस प्रोसेस को आप हल्का कर सकते हैं कॉलेज में जाकर बात करके, और कॉलेज में जाकर कह सकते हैं कि मुझे एक बोनाफाइड आप साइन करके दे दो कि मैं इस कॉलेज का हिस्सा अब हो चुका हूँ। तो ऐसा वो करेंगे नहीं, पर दोस्तों आप लोग को कुछ कॉशन मनी देकर वैसा कर लेना पड़ेगा, और वैसा करने के बाद आपका जो है काम बन जाएगा। अगर किसी कारणवश वो कॉशन मनी से एग्री नहीं करते हैं तो दोस्तों तब आप लोगों को कोई भी चारा नहीं है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर फीस देकर ही जो है आपका एजुकेशन लोन मिलेगा। एडुकेशन लोन लगाने के लिए बैंक में जब आप जाएंगे तब आप लोग को एक और फॉर्म मिलेगा जहां पर आपको विद्यालक्ष्मी जैसा ही कितना सेमेस्टर फीस है, कितना ब्रोशर में फीस है, वो सारा डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ता है। वो सारी चीज़ों को जब आप मेंशन कर देंगे दोस्तों, तो उसके बाद आप लोग के पास एक्स्ट्रा फीस का भी ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप को, अपने बुक्स के, अपने एग्जाम फी, ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये नोटिसेस के द्वारा आप ले सकते हैं। बट आपका सवाल होगा कि अगर हम लैपटॉप को अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके का नोटिस मिलेगा मुझे कॉलेज की तरफ से, तो ऐसा कोई नोटिस नहीं मिलता। आप किसी भी जगह लैपटॉप के शॉप पे जाकर किसी भी लैपटॉप को पसंद करके उसमें 500 रुपीज़ देकर आप उसका एक कोटेशन साइन करवा सकते हैं। वर्ड को ध्यान रखिएगा, कोटेशन। इस कोटेशन को जब साइन कीजिएगा तब उसके बाद आप लोग को उसको जाके जमा करना है। हो सकता है कि अगर लैपटॉप का प्राइस बहुत ज़्यादा हो, बहुत हाई हो, तो कुछ डिपॉजिट आपके तरफ से करना पड़े, और अगर लैपटॉप का प्राइस नॉमिनल है तो कितना एक्स्ट्रा डिपॉजिट, मतलब 2-4 हज़ार रुपये होते हैं दोस्तों, पर नहीं तो फिर आपको पूरा लैपटॉप का प्राइस ही आपके बैंक की तरफ से मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा लैपटॉप आपको i5 या तो Ryzen 5 300U से ऊपर ही लेना है, और 8 GB RAM से ऊपर ही लेना है, साथ में एक SSD लगना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। तो इतना जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का फीस निकल गया। अब आपका सवाल होगा कि हर कॉलेज का जो फीस होगा क्या वो सीधा बैंक में जाएगा या फिर मेरे खाते में आएगा? तो हाँ दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जैसे कि स्टूडेंट बाय बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारे बैंक का फीस आपके खाते में आता है, फिर आप पे करते हैं। नहीं तो मैक्सिमम 99% है कि आप लोग का जो खाते का फीस, जो बैंक का फीस होगा, कॉलेज का फीस, वो सीधा कॉलेज के खाते में चला जाएगा। बट हाँ, कुछ जगहों पर कुछ रूल्स में चेंज होती हैं, तो वो आप लोग को हिसाब से देख लेना है। बट मैक्सिमम ऑफ द टर्म्स आपके सारे खाते के पैसे वहां से आपके सीधे कॉलेज के खाते में जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे लोन को तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले है कि आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, फिर आपका लगेगा कॉलेज का फीस का नोटिस, और आपने लास्ट पेमेंट जो किया था बैंक ने उसका जो रसीद वहां से मिलेगा उसको। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक पेमेंट करेगी, पर वहां से कैसे पता चलेगा कि वो पेमेंट मेरे तरफ से आया है? तो इसलिए दोस्तों आपको बैंक 2 दिन बाद पेमेंट के एक UTR नंबर प्रोवाइड करती है। उस UTR नंबर को लेकर आपको जाना पड़ता है कॉलेज में, और उसको लिखना पड़ता है कि NEFT इस तारीख को हुआ था, ये था UTR नंबर, और उस UTR नंबर से आप लोग का जो है पेमेंट लग जाता है कि ये पेमेंट आपके तरफ से आया है। तो इस तरीके के प्रोसेस रहता है कि आपका एडुकेशन लोन लग जाए। तो वैसे काफ़ी समय हो गया है और 10 बजे मेरी ऑफिस स्टार्ट हो जाएगी, तो दोस्तों इस तरीके से मैं हाफ एन आवर पहले आ जाता हूँ और काम अपना कर लेता हूँ, तो दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई वीडियो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरीके से आप एडुकेशन लोन लगा सकते हैं। अब बात होगा कि कौन कौन सा एडुकेशन लोन सस्ता होता है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4% का इंटरेस्ट होता है, लड़कियों के लिए शायद और भी नॉमिनल होता है। अगर आपको मिल जाए वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो वो और भी अच्छा स्कीम होता है, या फिर अगर बैंक से लगाएंगे तो नॉमिनल 7% से लेकर 8.9% तक आपको देखने को मिलता है। जो भी कुछ बैंक है जो 11-12% लेते हैं, उनसे बच के रहें तो ज़्यादा फायदा है। और अगर आपका फीस जो है 7.5 लाख से ऊपर है तो आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको कोई कोटेशन, मतलब कोई ये नहीं जमा देना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कोई जैसे बैंक खाता ये हो,
और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप लोग दूसरे बैंक से लगाएंगे तो 5-6 लाख आज तक मिल जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद एक और बड़ा सवाल आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दोस्तों आपके जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स हैं वो तो लगेंगे ही, आपका जो को बोरोवर होगा जैसे आपका गार्जियन, आपके पिताजी या फिर माताजी, तो वो जो है उनका जो अगर कोई भी को बोरोवर बनना चाहता है, मैक्सिमम पापा ही बनते हैं, तो उनका जो है आईटी फाइल लग सकता है। अगर आईटी फाइल नहीं होगा तो सैलरी, अगर उनका जॉब होगा तो उनका सैलरी का सारा पेपर्स लग सकता है। और अगर वो भी सैलरी भी अगर उनका नहीं है तो दोस्तों कुछ फॉर्म 16 मिलते हैं या फिर कुछ आप लोग का जो पिताजी है उसका फैमिली प्रूफ या इनकम प्रूफ, ये सारी चीज़ें काम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो उसका जो पुराना बहुत सारे बिल्स रहे होंगे वो लगेगा। आपके पास जो अपने पेमेंट करते हैं ये दुकान के लिए, जो टैक्स फाइल करते हैं, वो सब कुछ लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सबमिट करेंगे तो आप लोग का जो है इनकम प्रूफ के साथ से ये वाला एडुकेशन लोन आसानी से लग जाएगा। तो ऐसी कुछ स्कीम्स रहती हैं दोस्तों जिससे आपका जो है एडुकेशन लोन बड़ी आसानी से लगेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब जरूर, वेबसाइट को जाके चेकआउट कीजिए, हम इसे जल्दी से लिख के अपडेट कर देंगे और तभी ये वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश हो जाएगी। तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते हैं आपको अलविदा। और साथ में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और क्योंकि ये PDF डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। और साथ में जो है हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, अगर आपके पास कोई भी सवाल है उसका आंसर देने में मुझे काफ़ी मजा आएगा।